a tanker in danger of sinking this morning in the gulf of aden after a houthi missile strike the uh, indian uh, warship irsnishanka they have done a really tremendous job we had actually lost the hope and had sought to indian navy badi development hai is <laughs> mahine ke andar indian navy jo hai wo ek third merchant vessel hai has help ke liye जो मर्चेंट वेसल जिसका नाम एम उस पे हमला हुआ और उसकी जो कॉल थी उस पे रिस्पॉन्ड किया ये अंदाज इतना हट के है कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा गया लेकिन रेस्क्यू करने इंडियन शिप्स जा रही हैं। कि किस तरह से उन्होंने एक्टिवली एंड स्मार्टली ये ऑपरेशन जो है पूरा किया और इसकी जब इसके ऊपर जब हमला हुआ है तो सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन नेवी है उसने स्पेशलाइज न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस टीम जो है उनको किया है अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप में से आप दोनों में से कितनों को लगता है कि किसको लगता है कि इस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो थोड़े हटके हैं ये तो मानते होंगे हाँ बिल्कुल और इन्होंने हिंदुस्तान को बहुत बदल दिया है कोई मर्चेंट वैसल कॉल करती है देट कॉल इट अ डिस्ट्रेस कॉल तकलीफ में है हेल्प 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 इंडियन नेवी जाती है भाग के ठीक है और उसकी मदद करती है इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने जा रहा है हेलो फ्रेंड्स जय हिंद हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों अदन की खाड़ी में ब्रिटिश तेल टैंकर एम बी मार्लिन लुआंडा में आग लगने की घटना के बाद भारतीय नौसेना एक्शन में आई है नौसेना ने शनिवार को कहा कि उसने एम बी मार्लिन लुआंडा पर अग्निशमन प्रयास में मदद के लिए एक टीम तैनात की है इस जहाज में 22 भारतीय और एक बांग्लादेशी चालक दल के सदस्य हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जमन के होती आतंकियों के मिसाइल हमले के बाद टैंकर में आग लगी ब्रिटिश तेल टैंकर के संचालक ने कहा कि जहाज लाल सागर पार करने के बाद अदन की खाड़ी में एक मिसाइल से जा टकराया नौसेना के एक प्रवक्ता के मुताबिक एम बी मार्ली लोडा के अनुरोध पर आई एन विशाखापट्टनम को मदद के लिए तैनात किया गया है आई एन एस विशाखापटनम संकट जहाज में चालक दल को सहायता प्रदान करेगा भारतीय नौसेना ने कहा वह एम की सुरक्षा और समुद्र में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति दृढ़ और प्रतिबद्ध है व्यापारिक जहाज़ों पर हमले की हालिया घटनाओं के मद्देनजर भारतीय नौसेना भी काफ़ी चौकस हो गई है एक बड़ी डेवलपमेंट है कि ये इस महीने के अंदर इंडियन नेवी जो है वो एक थर्ड एक मर्चेंट वेसल है जिसकी हेल्प के लिए आई है कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी की एक आई एन एस उसका नाम है आई एन एस विशाख इसका नाम है शायद और आ, उसने एक जो एक जिसे कहते हैं ना गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था जो कि एक मर्चेंट वैसल जिसका नाम एम वी लोंडा लोनाडा है समथिंग लाइक दैट उस पर हमला हुआ और उसकी जो डिस्कॉल थी उस पर रिस्पॉन्ड किया और योथीज ने इसको हमला किया है और बेसिकली ये सारे का सारा जो एरिया है वो यू सेंट्रल कमांड में आता है एरिया यूएस सेंट्रल कमांड में भी आता है और यूएस सेंट्रल कमांड ने भी इस पर बात की है लेकिन रेस्क्यू करने इंडियन शिप्स जा रही हैं और इसके अंदर ये जो एम वी मर्लिन जिस मर्चेंट uh, शिप का नाम है इसमें बाईस इंडियंस थे और एक बांग्लादेशी भी था और इसकी जब इसके ऊपर जब हमला हुआ है तो सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन नेवी है उसने स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस टीम्स जो है उनको किया है इंडिया ऐसे क्यों कर रहा है ये सवाल बनता है वैसे तो अगर आप इंडियन नेवल चीफ ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था तो वो इंडिया तो ये समय कहता है कि जी हम बड़े कमिटेड हैं सेफ करने के लिए जो कम्युनिकेशन लेंस हैं सी लेंस हैं और क्योंकि पायलिससी भी बढ़ गई है ड्रोन अटैक्स भी बढ़ गए हैं और इंडिया ने तकरीबन दस से ज़्यादा शिप्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटजिक लोकेशंस में इंडियन ओशन में अरेबियन सी में गल्फ ऑफ वीडन में अपनी डिप्लॉय की हुई हैं ये क्योंकि तीसरा वाक्य है इस महीने और इस वाक्य के बाद इंडिया जो है वो आपको पता है हेल्प कर रहा है इस इसकी तो इंडिया ये क्यों कर रहा है सवाल ये पैदा होता है और ये रेड सी का जितना एरिया है इसमें अगर आप देखें Uh, तो हालात यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ होतीस का एग्रेशन बढ़ रहा है सऊदीज साइलेंट है अमाराती साइलेंट है बिकॉज वो इस मसले में आना नहीं चाहते और वो क्योंकि रेंज में हैं होतीस की सो दे हैव एन इशू और अब क्या इंडिया जो है वो अपनी किस हद तक आगे जाना चाहता है जो अपने इंडिया ने दस शिप्स डिप्लॉय की हैं आ, उनके अंदर एंटी पायरेसी टास्किंग या एंटी ड्रोन सपोर्ट मौजूद है आ, सुनने में ही आ रहा हैं क्या इंडिया जो है वो लास्ट टाइम भी हमने इस पे बात की थी कि क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है या बन रहा है ये एक सवाल है कि क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है यह बनना चाह रहा है या है ठीक है जी अब इंडिया जो है वो आपको पता है मेक इन इंडिया पे लगा हुआ है और अगर इंडिया समझता है कि अगर आप मेक इन इंडिया नहीं करते तो आप इंडिया को डिफेंड नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन एक सिंपल सा है क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने जा रहा है या बनना चाहता है ये है सवाल जिस रीजन में इंडिया है ठीक है जी यही जो इंडियन ओशन रीजन जो है ऑब्वियसली ये कोई होमोजेनियस एरिया नहीं है यहाँ पर डिफरेंट हिस्ट्रीज हैं यहाँ की अपनी या डिफरेंट हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल लिंकेजेस हैं डिफरेंट माशरे हैं मजाहब मजाहबली है कल्चर अलहदा है एथनीसिटीज़ा हैं और एक खत् नहीं है आप देखिए मिडल ईस्ट है साउथ एशिया है साउथ ईस्ट एशिया है फिर इंग्लिश एंटिटीज़ हैं अफ्रीकन एंटिटीज़ हैं ये बहुत बड़ा एरिया है आप इसमें कैसे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है इंडिया uh, ये क्वेश्चन है ठीक है जी आ, जिस दौर में कभी यूरोप और हम देखते हैं कि बाकी ममालक इस खत्ते में जो अपना एक असरसूख रखना चाह रहे थे क्या वो इंडिया कर सकता है कैसे करना चाहता है कोई मर्चेंट वैसल कॉल करती है कॉल इट अ डिस्ट्रेस कॉल तकलीफ में हेल्प 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 इंडियन नेवी जाती है भाग के ठीक है और उसकी मदद करती है वाई इन रिटर्न इंडिया को क्या मिलेगा ठीक है ना जनाब ये क्वेश्चन हैं और जारी बात है इस पर लोग बड़ी बहस कर रहे हैं बात कर रहे हैं और आ, आ, अब ईरान अपना आपको पता है एक एक, एक एक अपने अंदर एक पूरी की पूरी पावर है ठीक है जी आ, आ, इंडिया और ईरान के आपस में क्या जिसे कहते हैं ना लिंकेजेस हैं क्या चीज़ें हैं इंडिया और ईरान का क्या एक मौकफ़ है इन चीज़ों के ऊपर ये एक सवाल है Uh, दोनों मुल्क क्या कर सकते हैं इंडिया और ईरान क्या नहीं कर सकते मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया और ईरान वो कलेबोरेशन कर सकते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ द अमेरिकन इन द रीजन इंडियंस विल नॉट इनॉय अमेरिका पहले ही वो बड़ा अनॉय कर चुके हुए हैं वो जो इंडिया बार बार स्ट्रेटजिक अटानमी की बात करता है वो कोई मजाक नहीं है स्ट्रेटजिक अटानमी मीन्स कि मैं आज़ाद हूँ